आज इस वीडियो में मैं परसेंटेज बेस्ड सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले हमें परसेंटेज निकालने के कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स आने चाहिए। तो सबसे पहले कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। तो परसेंटेज जो होता है उसका मतलब होता है आपको किसी भी नंबर का इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 बताना है कितना पार्ट है वो नंबर, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं परसेंटेज के जो डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए, जो डायरेक्टली आप कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100% ऑफ y पूछा जा रहा है तो 100% ऑफ एनी नंबर y का मतलब है आपको निकालना है y इनटू 100 बाई 100, दैट इज द रिजल्ट विल बी y इटसेल्फ। अगर आपसे 50% ऑफ y पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है y इनटू 50 बाई 100, दैट इज y बाई 2 के बराबर। और 25% ऑफ y का मतलब होता है y इनटू 25 बाई 100, दैट इज y बाई 4 के बराबर। यानी अगर आपसे कोई पूछता है 25% ऑफ 100 निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप 100 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देंगे और आपका रिजल्ट 25 आ जाएगा। या आपसे कोई पूछता है 50% ऑफ 270 निकालने के लिए, तो आप 270 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा 135। यानी 100% निकालने के लिए उस नंबर को एज इट इज रखना है, 50% निकालने के लिए उस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, 25% निकालने के लिए उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनका यूज करके हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले 10% ऑफ y किसके बराबर होगा, 10% ऑफ y इनटू 10 बाई 100 के बराबर होगा। यानी जो भी y है उसको मुझे 10 से डिवाइड कर देना है, 10 बाई 100 में आपका ये इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो y बाई 10 के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको y की वैल्यू 650 गिवन है, तो इसका 10% हो जाएगा 650 बाई 10, दैट इज 65 के बराबर। इन सिंपल टर्म्स आपको एक डेसिमल लगा देना है यूनिट डिजिट के बाद अगर आपको 10% निकालना है। सिमिलरली, अगर आपको 1% निकालना है तो 1% के लिए आपको डेसिमल लगा देना है दो डिजिट के बाद, यानी टेंस डिजिट के बाद। तो अगर आपसे 650 का 1% पूछा गया है तो टेंस डिजिट पे है 5, तो 650 का 1% हो जाएगा 6.5 के बराबर। तो अभी तक मैंने आपको 100, 50, 25, 10 और 1% निकालना सिखाया। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं किस तरीके से इन्हें हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको 53% ऑफ y निकालना है, किसी भी नंबर का 53% निकालना है। तो अगर मैं जनरल तरीके से जाऊंगा तो वो हो जाएगा 53 बाई 100 इंटू वाई। इसके लिए, इसे सॉल्व करने के लिए मुझे 53 का टेबल आना चाहिए, अदरवाइज मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें काफी टाइम लगेगा। तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, 53% को लिखा जा सकता है 50 प्लस 3%, ठीक है। अब आप प्लस साइन से अलग अलग कर सकते हैं, यानी 50 प्लस 3% ऑफ y इज इक्वल टू 50% ऑफ y प्लस 3% ऑफ y। यहां मैंने देखा 50% ऑफ y की वैल्यू हो जाती है y बाई 2 के बराबर, तो 50% ऑफ y की जगह मैंने लिख दिया y बाई 2। और 3% ऑफ y, 3% ऑफ y होगा आपका 3 इंटू 1% ऑफ y। 1% ऑफ y होता है आपका 0.01 y के बराबर, टेंस डिजिट के बाद डेसिमल हम लगाते हैं। तो 3% ऑफ y हो जाएगा 3 इंटू 0.01 y के बराबर। तो यह जो नंबर है इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है, क्योंकि यहां आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में उन्हें ऐड कर देना है। सो यह जो ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन 53 से मल्टीप्लाई करने के जगह काफी आसान हो जाता। तो इस तरीके से आपको अब जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं इन्हें सॉल्व करने हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया है 67.8% ऑफ y, तो आप 67.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 67.8 को लिखा जा सकता है 70 माइनस 3, 70 माइनस 3 हो गया 67 प्लस 0.8। तो 70% ऑफ y माइनस 3% ऑफ y प्लस 0.8% ऑफ y।
अब 70% लिखना है, यानी 7 × 10%, 10% के लिए मुझे 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 70% ऑफ y हो गया 7 × 0.1 y। सिमिलरली अगर मैं आपका 3% ऑफ y देखूं, तो 3% ऑफ y हो जाएगा 3 × 1% ऑफ y, दैट इज 3 × 0.01 y, यहां माइनस साइन लगा था। और अगर मैं 0.8% देखूं, तो 0.8% किसके बराबर होगा? अगर आप देख रहे हो तो 10% में मैंने यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल दिया, 1% में टेंथ डिजिट के बाद डेसिमल दिया, तो 0.1% में 100 डिजिट के बाद डेसिमल दिया जाएगा, यानी 0.8 = 8 × 0.1% ऑफ y, दैट इज 8 × 0.001 y। तो इस तरीके से जो डेसिमल वाले परसेंटेज भी होते हैं वो आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, इनका डिवीजन करके डायरेक्टली आप बहुत सारे परसेंटेज को क्विकली निकाल सकते हैं। तो हमने 100, 50, 25, 10 और 1 तो सीख लिया, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए यहां हमारा 1/y/1 हो गया, y/2 हो गया, y/4 हो गया। अगर आप y को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा 33.33%। अगर आप y को 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए y/1, y/2, y/3, y/4 अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो होता है 20% ऑफ y। आप चेक कर सकते हैं 20/100 ऑफ y इज इक्वल टू y/5। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 16.67% ऑफ y, 7 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 14.28% ऑफ y, 8 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 12.5% ऑफ y, और 9 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 11.11% ऑफ y, और 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 10% ऑफ y। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, y डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं डायरेक्टली, यानी अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दिया गया 14.28% ऑफ 35, तो आपको 14.28 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 35 नहीं करना है, आपको सिंपली 35/7 करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 के बराबर। तो काफी तेजी में सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको ये नंबर्स की वैल्यूज याद है। याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जानते हैं 100/7 14 के अप्रोक्स में आता है, तो 14 पॉइंट समथिंग होगा, तो y डिवाइडेड बाय 7 है। सिमिलरली 100/11 अगर मैं करूं तो 9 के अप्रोक्स में आ रहा है। तो इस तरीके से